नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिंदा मरीज को घोषित किया मृत, भड़के रिश्तेदारों ने किया रोष प्रदर्शन। पठानकोट बस स्टैंड पर खड़ी एक निजी बस में से एक व्यक्ति की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस थाना छेरटा से महज 50 कदमों की दूरी पर स्थित श्री हनुमान मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चांदी का सामान व गुल्लक तोड़कर लाखों रुपयों की लूट को दिया अंजाम। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर के गांव राम कॉलोनी कैंप में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब गांव नंगल शहीद के रहने वाले बहादुर सिंह को IVY अस्पताल की ओर से मुर्दा करार दे दिया गया, जिसके बाद परिवार की ओर से जब बहादुर सिंह को PGI ले जाया गया तो वह ठीक हो गया। वहीं बहादुर सिंह के परिवार और गांव की पंचायत की ओर से IVY अस्पताल के आगे पक्के तौर पर धरना लगा दिया गया है। इस दौरान पीड़ित बहादुर सिंह की पत्नी कुलविंदर कौर ने बताया कि उनके पति को मामूली खांसी हुई तो उसे IVY अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बहादुर सिंह को मुर्दा कहकर परिवार को सौंप दिया। और पारिवारिक सदस्य जब बहादुर सिंह को PGI लेकर गए तो वह एक दिन में ही ठीक हो गया। तो वहीं इस संबंधी मौके पर पहुंचे मॉडल टाउन के SHO हरप्रीत ने बातचीत करते हुए कहा कि पीड़ित लोगों की ओर से अस्पताल के खिलाफ एक शिकायत दी गई है और 3 दिनों के अंदर अंदर जांच पड़ताल कर दोषी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मेरे घर वाले नु कहंदे मर गया, लै जो हथ आया सी माड़ा जिहा, खंग आई सी माड़ी जी, असी लैके आए सी दवाई लैन। इन्हां ने पता नहीं की किया, मैं एमरजेंसी विच गई, इन्हां दे मैं हथ फड़िया, इन्हां ने मैनू कोई इशारा नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। मैं अपने देर नू घर आके कहा तेरा भाजी ठीक नहीं हैगा, ये कहिंदा कोई नहीं भाभी हौसला रख ठीक आ, ये कहिंदे असी उत्ते रैफर करन लगे हैं। मैं उत्ते गई, एक छोटी जी नर्स सीगी, मैं झूठ नहीं मारदी, मैनू कसम पीरां दी लगे उस बच्ची नू, मैं क्या बच्चीए मैनू दस दे मेरे घर वाला किदा, मैं इत्थों लड्डू वंडदी जाऊंगी। वह कहती बाहर चल जा, तेरे घर वाला ठीक है। उन्हें मैनू धक्का मार के बाहर कढ़िया सी, इहनू मैं इदा बुलाउंदी सी, इहदा मैं मूँह भी चुम्मिया सी, इन्हें मैनू कोई इशारा नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। बाद च फिर गई मिलन, जिहड़ा मोहरे मुंडा खड़ा आ उन्हें मैनू धक्का मारिया, कहिंदा तेनू नहीं मिलन देना। मैं कहा मेरे घर वाला मैं मिलना आ, इन्हां ने बाद च कहिंदे वह मुक गया आ। इन्होंने साढ़े को लिया सीगा, पता मैनू सुरत नहीं सीगा, मैनू मत उस तो बाद असी इन्होंने मैनू पता नहीं, बाद च मैनू सुरत नहीं आई मैनू कितने लगे। हैं हाँ ठीक, हाँ जी ठीक, 9 पर 9 बैठे आ। असी इन्हों की मंग इन्हों मार दो, मैनू हल्का जहा उ आया ਇਹ ਲੈਣ ਆਏ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਪਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੈਪ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਪ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲਾਇਆ, ਪਾਸਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੋਪੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਦੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਗਰਾਂ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਉ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। पठानकोट बस स्टैंड पर उस समय दहशत का माहौल बन गया जब पठानकोट बस स्टैंड पर खड़ी एक प्राइवेट बस पर लोगों ने एक शख्स की लाश को देखा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से इस संबंधी बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि किसी शख्स की लाश बस में पड़ी हुई है। मौके पर आकर जांच की तो मृतक की पहचान बस ड्राइवर के तौर पर हुई, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। एक डेड बॉडी है बाबा बुढ़ा साहिब जिसका नाम ड्राइवर मुंडा सतनाम सिंह वासी चब्बा रहने वाला है। डेड बॉडी मिली है जिसनों आप मोर्चरी दाखिल करा के वह पोस्टमार्टम करा रहे हैं तो बाकी जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस समय कार्रवाई करा रहे हैं। पुलिस थाना छहरट्टा के अधीन पड़ती चौकी टाउन छहरट्टा से महज 50 कदमों की दूरी पर स्थित श्री हनुमान मंदिर में गत रात्रि कुछ चोरों ने लकड़ी की सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते मंदिर में दाखिल होकर मंदिर से भगवान की प्रतिमा से चांदी का सामान व गुल्लक तोड़कर लाखों रुपयों की लूट को अंजाम दिया है। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान पवन कुमार ने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब जब पंडित ने मंदिर के द्वार को खोला तो देखा कि मंदिर की सभी गुल्लक टूटी हुई थी, जिसमें पड़ी नकदी तथा श्री कृष्ण जी की प्रतिमा से चांदी की बांसुरी, शिव भोले जी के चांदी के नागराज, चांदी का त्रिशूल, चांदी की गागर और माँ दुर्गा का चांदी का छत्र चोरी हो चुका था। इसके अलावा चोरों ने मंदिर के कमरों में भी छानबीन कर सामान बिखेरा हुआ था। उन्होंने बताया कि मंदिर में 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है, जिस बारे में पुलिस ने अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगाया और अब दोबारा चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर से लगभग 12 लाख की चोरी हुई है, इस संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने चोरों को काबू कर कार्यवाही नहीं की तो वे सड़क पर धरना लगाने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर थाना छेरटा के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे और सारी स्थिति का जायजा लिया और मंदिर कमेटी से हुए नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि नजदीकी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही उक्त चोरों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस जगह पे किस मंदिर में छाटे सनातन धर्म मंदिर है जी, इतने एक सेवादार है, यह साढ़े वड्डे भाजी ने, यह भी इतने सेवा करते हैं। राती पंडित जी मंदिर बंद करके गए हैं, 12-1 बजे दौरान के ही इतने चोरी हो गई है। सानू नहीं पता, वैसे लगता कि इस तरह इधरों की उन्होंने पौड़ी ला के अंदर गए हैं, सारे अंदर उन्होंने ताले तोड़े ने, गले तोड़े ने। भोले शंकर जी की गागर सी चांदी की, नाग सी चांदी का, त्रिशूल सीगा चांदी का, माता जी का चांदी का सैगा सी, नाले कृष्ण जी की बांसुरी सी चांदी की, सब कुछ लै गए ने, सारे गले तोड़ गए ने, जुत्तियां पा के अंदर गए ने, बेद भी की है, माता जी की चूड़ियाँ तोड़ियाँ ने अंदर वड़ के उन्होंने। तो अं उन्होंने प्रशासन से बेनती करते हैं कि सानू जल्द तो जल्द चोर फड़ के दिते जाए, पहली चोरी नहीं जी है, तीसरी चोरी इस मंदिर। सानू अज सवेरे कौंसलर रमी जी ने इतलाह दी जी फोन करके मैनू कि जी टी रोड छियाड़ा तो श्री हनुमान जी का मंदिर आ, तो इतने रात ताले तोड़ के चोरी हो गई है। चोरों ने जो भी किया बहुत गलत किया, तो साड़ी जो ड्यूटी बनती है, मैं सारा मंदिर कमेटी नाल सारे जिहड़े साडे इलाके दे मोतबर सज्जन ने इन्हां नाल सारी मेरी मीटिंग हुई है। असी अपनियां टीमां ला दित्तियां ते जल्दी तो जल्दी असी जिहड़े चोर सामने इन्हां दे लियावांगे ते सारी रिकवरी करांगे। मुकदमा दर्ज करके असी टैक्नीकल तरीके नाल भी ते अपने सीधे तरीके नाल भी असी जिहड़ा वा ओह चोर लभणे शुरू करदे आ, ते बहुत छेती तुहानूं इहदी इतलाह देवांगे। देखो जी, मैं पिछले 9 महीनों तो इत्थे तैनात हाँ, तो मैं लगभग सारे मेरे संपर्क च ने सारिया संस्थावान, ठीक है ना जी, पिछले 9 महीनों चो तो कभी सानू इतों कोई शिकायत नहीं गई। अज जो कुछ होया वा तो वह बकायदा असं परचा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी कुछ है सर? असं कर रहे हैं जी, खंगा रहे हैं सारा कुछ, साढ़ा तफ्तीश का मैटर आ, सारा असलीयत कढ के तुहाडे अगे रख देंगे। किन्ने की चोरी हुई है कि वो अंदाजा ला रहे हैं जी? सही, वो साडा बैठे ने, साडे कमेटी मैंबर बैठे ने, तो साडे मुलाजम भी बैठे ने, असीं उहदा अंदाजा ला रहे हैं। चोरी वेखो जी, चोरी भावें कख दी लख दी आ, इह धर्म दा मसला आ, इह चोर तुहाडे सामने लभ के करांगे जी।
हरियाणा के पलवल में मिट्टी की खुदाई करते समय 3 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिसके बाद कड़ी मुशक्कत से 2 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 1 मजदूर पिछले 2 घंटे से मिट्टी के अंदर दबा हुआ है और 4 जेसीबी की मदद से मिट्टी में दबे मजदूर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब रहे कि सीवरेज लाइन डालने के लिए यहां पर खुदाई की जा रही थी, पब्लिक हेल्थ की तरफ से यह खुदाई करवाई जा रही है, तो वहीं घटना स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहां गड्ढा खोद रहा है। किस लिए खोद रहे थे गड्ढा? ये पाइप पड़ रहे हैं अंदर अंदर। 4 बंदे थे, 3 मिट्टी में दबे, मैं ऊपर था। आप निकल आए थे? आप निकल आए? हाँ। कितनी देर दबे रहे आप मिट्टी में? हम नहीं दबे रहे, ये भाग लिया, वो तो कम से कम 15 मिनट तक, और का हो गए 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटे हो गए इसको? हाँ, 2 घंटे से ऊपर हो रहे। क्या नाम है इसका? अशोक। कहाँ का रहने वाला है? यूपी के। यहाँ पर पाइप का काम चल रहा है, वही गए थे खोलने और एक बंदा दब गया नीचे, उसको निकालने गए थे, हम भी दब गए साथ में। यूपी का रहने वाला? हाँ, सारे 4 बंदे थे साथ में रहने वाले, यूपी के 4 थे। आप भी मिट्टी में दब गए? हम भी दब गए थे। मिट्टी में वही सारा ऊपर से मिट्टी उट्टी सारा दब गया, सांस नहीं ले पा रहा था। फिर जिसे भी जल्दी जल्दी जिसे भी ने खोद के निकाला मेरे को। कितनी देर बाद निकले थे? वही आधे घंटे बाद। जान भी जा सकती थी? हाँ, जान भी जा सकती थी, बच गया। पंजाब सरकार की ओर से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए खोले गए आम आदमी क्लिनिकों को अब नशेड़ियों द्वारा अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। बठिंडा के बेअंत नगर में आम आदमी क्लिनिक को चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका पता रविवार की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे आम आदमी क्लिनिक के स्टाफ को लगा। इस मौके पर नोडल ऑफिसर डॉक्टर रमनदीप सिंगला ने बताया कि गत रात्रि नशेड़ियों द्वारा आम आदमी क्लिनिक को निशाना बनाते हुए जहां शीशे तोड़ दिए गए, तो वहीं चोरों द्वारा पंखे, कंप्यूटर, मॉनिटर, टूटियां और यहां तक कि पर्दे भी चोरी कर लिए गए। उन्होंने बताया कि यहां पर पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। चोरों द्वारा इस बिल्डिंग में चल रहे ओट सेंटर का ताला तोड़कर वहां से भी 6 पंखे चोरी कर लिए गए। उन्होंने कहा कि इस संबंधी लिखित शिकायत विभाग को भेज दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, की नाम है? मैं डॉक्टर रमनदीप सिंगला, बीएमसी बठिंडा, नोडल अफसर आम आदमी क्लिनिक। इत्थे ना ही मैनूं सवेरे फोन आया सीगा भई कोई चोरी हो गई राती, उहदे विच काफी इन्हां ने समान इधर उधर कर लिया, पखे उतार ले, इस पीसीबी लै गए, उहदा मतलब सारा समान नाल प्रिंटर वगैरह, कर्टन टूटियां, ते जिहड़ी सीलिंग है रूफ सीलिंग ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਪੱਖੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਪੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਰ ਫੜ ਲਈਏ, ਸਮਾਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। जालंधर के सिविल अस्पताल के बाहर लोगों ने मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और बाद में उसे छोड़ दिया, तो वहीं मोटरसाइकिल पकड़ते ही एक लुटेरा मौके से भाग गया, जबकि एक लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सिविल अस्पताल के बाहर ही उसकी जमकर धुनाई की। वहीं लोगों से छूटते ही दूसरा लुटेरा पैदल ही भाग गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू मंदिर एक्ट बनाए जाने की मांग को लेकर 25 फरवरी को जालंधर के साई दास स्कूल के मैदान में सुबह 11 बजे विशाल भगवा मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें संत समाज तथा शहरवासी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
इसी संदर्भ में टीम मंदिर एक्ट के सदस्य टीम के प्रदेश संयोजक मनोज नन्ना की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों से जनसंपर्क अभियान के तहत मिले तथा मंदिरों संस्थाओं से जुड़े संत समाज व शहरवासियों को हिंदू मंदिर एक्ट के प्रति जागरूक किया। इस दौरान 25 फरवरी को शहर में निकाले जा रहे विशाल भगवा मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया। हिंदू मंदिर एक्ट टीम ने जनसंपर्क अभियान के दौरान श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर ट्रस्ट के जनरल सचिव सुरेंद्र चड्डा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चड्डा, चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, प्रधान विपन चड्डा बब्बी, जेबी चड्डा, संजय चड्डा, ओम प्रकाश चड्डा, नरेश चड्डा, उमेश चड्डा, मिंटू चड्डा, विजय महेंद्रू और गणेश चड्डा तथा डायनामिक लाफिंग योग सोसाइटी बल्टरन पार्क के पदाधिकारियों अमित राजपाल, मीनू शर्मा, अमित कुमार मीका, अमित गुप्ता, राजेश राजा, हेमंत कुमार, एडवोकेट रोहित डोगरा, टिंकू हांडा जी से हिंदू मंदिर एक्ट संबंधी चर्चा की और इस संदर्भ में निकाले जाने वाले विशाल भगवा मार्च में शामिल होने हेतु निमंत्रण पत्र दिया। इस दौरान मनोज नन्ना ने कहा कि आज हिंदू धर्म के अलावा सभी धर्मों के पास एक्ट है, लेकिन हिंदुओं के पास मंदिरों के रखरखाव, पुनर्निर्माण तथा हिंदू जन कल्याण स्कीमों को कायदे से लागू किए जाने को लेकर कोई एक्ट नहीं है, जिसके कारण हिंदू समाज आए दिन कमजोर हो रहा है। इसलिए हिंदू मंदिर एक्ट बनाया जाना जरूरी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सोडल महाराज जी की आज हिंदू समाज वालों बाबा सोडल दे विच मीटिंग रखी गई है, जो हिंदू समाज नु जागृत करने वास्ते 25 फरवरी नु साईंदास स्कूल दी ग्राउंड दे विच एक शोभा यात्रा एक निकाली जा रही है हिंदुओं दे मंदिरों वास्ते, जिदे विच सरकार नु यह एहसास दवाया जा रहा है कि जिन्ने मंदिर है हिंदुओं दे उन्हां वास्ते जो एक्ट बनया है उन्हूं लागू किया जाए और मंदिरों की रख रखाव ले कमेटी बनी होंगी है, जिदा श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी बनी हुई है ज क्रिश्चन की बनी हुई है, इदा हिंदुओं की भी एक प्लेटफॉर्म एक कमेटी बनाई जाए जिदे सारे हिंदुस्तान के जो मंदिर है उन्होंने रख रखाव वास्ते ठीक परंपरा जी वह चली जा सके। इस गल श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों हर संभव जी यतन है वह किए जाएंगे जिद मंदिरों की रक्षा हो सके। मैं शाम चड्डा चेयरमैन चड्डा बलारी बाबा सोडल मंदिर तो बोल रहा, अज एक भगवा यात्रा बारे जी दस्ता मनोज नन्ना जी कर रहे हैं वो मंदिर से एक सोडल मंदिर की मीटिंग रखी, असी इन्हों श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट एवं चड्डा बलारी वालों असी विश्वास दवाया इन्हों कि साईंदा स्कूल जी शोभा यात्रा भगवा यात्रा निकल रही है 25 फरवरी को असी चड्डा बलारी सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा लवेंगे और नन्ना जी के नाल असी बिल्कुल मोटे ना मोटे मिला के खड़े हैं। एक भगवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है हिंदू मंदिर एक्ट की एक जड़ी और लंबित तो मंग पई है उन्होंने लैके 25 फरवरी दिन शनिवार अज असी सोडल मंदिर पहुँचे हैं तो इन्होंने सानू विश्वास लाया कि सारा चड्डा समाज और सोडल मंदिर ट्रस्ट पूरा उमुमा के साथ देगा। असी बाकी भी सारे समाज के लोगों को अपील करते हैं कि 25 फरवरी को दिन शनिवार 11 बजे सैंदा स्कूल की ग्राउंड के उमुमा के पहुँचो तो इस भगवा मार्च में कामयाब बनाओ। अज हिंदू समाज के इकट्ठ वास्ते एक बहुत वड्डी मीटिंग बाबा सोडल मंदिर के अंदर की गई, जिदे हिंदू समाज में इकट्ठ करन दा बीड़ा जिहड़ा मनोज नन्ना जी ने चक्या उन्होंने सारिया संस्थावां ने विश्वास दिलाया कि असी सारे एकजुट हो के ये जिहड़ी मंदिरां वास्ते हिंदू समाज वास्ते लड़ाई उन्होंने शुरू की है असी उन्हां दा पुरजोर साथ देवांगे। इहदे नाल असी सारे इस शोभा यात्रा दे विच हुमा के कपूरथला के गांव नूरपुर राजपूत के गुरप्रीत सिंह को लीबिया देश में एक सीमेंट फैक्ट्री में बंधक बनाया गया था, जिन्हें उनके 3 अन्य साथियों सहित भारत सरकार और पंजाब सरकार के प्रयास के बाद वहां से सुरक्षित भारत लाया गया है।
गुरप्रीत सिंह ने इस दौरान अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए कहा कि वह अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की खातिर पिछले साल दुबई में ड्राइवर की नौकरी के लिए गया था। जैसे ही वह दुबई पहुंचा तो उसे उसके साथियों समेत लीबिया भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही इस सीमेंट फैक्ट्री के हालात देखकर उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वहां रहने और खाने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं था, जिस कारण उन्होंने कई दिन भूखे भी काटे। उन्होंने बताया कि उनसे करीब 18 घंटे काम लिया जाता था और अगर कोई भी इसका विरोध करता तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। गुरप्रीत के अनुसार फैक्ट्री मालिक ने उन्हें बताया कि $3,000 में उम्र भर के लिए उन्हें खरीदा गया है, जिसे सुनकर कुछ साथियों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, जिसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने हालातों पर एक वीडियो बना उसे वायरल किया, जिसके बाद उनका भारत सरकार से राबता कायम किया और अलग अलग लोगों की सहायता से उनकी रिहाई संभव हो सकी। दूसरी तरफ गुरप्रीत के पारिवारिक सदस्यों ने भी गुरप्रीत की वापसी पर खुशी जाहिर की और सरकार की कारगुजारी पर संतोष जाहिर किया। परिवार से हाडा दे खानू तो कोई पता ही नहीं है गल दा की बनया, ओ घर देयां नू आंदा ही फोन मैं देता कभी खुद चल गया, हाँ जी वह जी कम तो आ जी फोन वाला आंदा आ जी वो कम कुम तो सानू कोई पता नहीं की है की नहीं। पहला जो कहना जरूर डिपर जहा मिल गया आ कम सही आ, बाद थोड़े दिन बाद पता लगा जी इतने आह हल धोन लग गई है। हूँ तो महीना हो गया हजूर साहब चले गए, सानू तो कोई पता ही नहीं गल की बनी की नहीं। तो हूँ सुन लिया वो कम ही बहुत माड़ा उत्थे, बहुत दुनिया वर्तारा माड़ा हो गया। पिछे आए पता लगा दूजे मुंडे ने दसा जी ओने आना कल परसों, सानू तो इना पता भी नहीं कोई। ये जो हम परत आए सारी कहानी सुन ली, हां जी की कहना चाहते हो? कहना भी इदा के देश कभी नहीं कोई जाना चाहिए, इतने माड़ी मोटी रोटी जिदा मिलती वह खा लो, जरूर मरना उ फा लैके है, ये कंपनियां बंद करनिया चाहिए। सब तो पहला जरूरी है भी ये जरूर देखो भी ताकि किसी भी जिते भी तुम जा रहे हो उ अंबैसी हैगी कि नहीं हैगी। सानू नहीं पता अंबैसी का मतलब की होंगे, पर यह पता लग गया भी अंबैसी इस करके होंगी है जेकर तुम कल कोई प्रोग्राम आँदी है ताकि सुनवाई जी हो सकती है, जिते अंबैसी नहीं हैगी उ सुनवाई नहीं हो सकती। तकरीबन इतने 80% यहोजे बच्चे है जिन्होंने अंबैसी का पता ही नहीं अंबैसी की आ, क्योंकि जेडे 20% घूम आए उन्होंने पता वा अंबैसिया का मुल की होंगे। हुण जिहड़े बंदे साडे नाल पुराने सी वह भी कहिंदे अंबैसी की लोड़ नहीं पैंदी, वह भी उत्थे हत्थ खड़े करके क्योंकि उन्होंने रोज़ टॉर्चर किया जाता है तो सुनाई है नहीं। असीं जरूरी यह बेनती करांगे, पहली गल तो जे तुहानूं इत्थे चंगा कारोबार चलन दिया है वा तो इत्थे चलाओ रोटी पानी खाओ। दूसरी बेनती असीं गौरमेंटां नूं करांगे भी ये मजबूरी कदे लई बनी हैगी आ, क्योंकि जदों सानूं इत्थे रोज़गार ही नहीं मिल रहे हैगे, साडे बच्चे हुण पढ़दे आ पढ़नगे भी तां जेकर साडे कोल कोई आमदन होगी, आमदन होगी तो अं बच्चों पढ़ा पावांगे, तो बच्चे पढ़नगे तो किसी जॉब पर लगनगे। दूसरी गल कई बंदे बच्चे डिग्रियां लैके तुरे फिरदे उन्हां नूं जॉब नहीं मिल रही। सब तो जरूरी पॉइंट यही है जो सानूं इत्थे कोई नौकरियां नहीं मिलदियां, हीला वसीला नहीं हो रहा, उहदे करके असीं बाहर नूं भज रहे हां भी सानूं 25 to 30,000 रुपया आमदन आ जावे, उहदे नाल साडे घर दा गुजारा बच्चे जिहड़े पढ़ सकन। यूथ कांग्रेस फगवाड़ा की ओर से एक समागम का आयोजन स्थानीय सुखचैन आणा साहिब रोड पर किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान सौरव खुल्लर ने शिरकत की, जिनका समागम में पहुंचने पर पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। गत दिनों यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रधान की ओर से मुकेश कुमार मणि को यूथ कांग्रेस फगवाड़ा का उप प्रधान नियुक्त किया गया था, जिसके चलते सौरव खुल्लर की ओर से मुकेश मणि को सिरोपा डालकर और नियुक्ति पत्र देकर रस्मी तौर पर मुकेश मणि को उप प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस मौके पर मुकेश मणि ने अपनी नियुक्ति के लिए पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर सिंह ढिल्लो और जिला प्रधान सौरव खुल्लर का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी हाईकमान की ओर से उन पर विश्वास जताकर सौंपी गई है वे उस पर खरा उतरेंगे और अधिक से अधिक नौजवानों को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। सत श्री अकाल जी। सो अज जिन्हें भी मेरे वीर इतने इकट्ठे हुए आ ते दिलों धन्यवाद करता उन्हों का। अज साडे जिला प्रधान सौरव खुल्लर जी ने उन्हों की एंट छत्र शायद ले अज मैं वाइस प्रधान बनया वा। सो वरिंदर ढिल्लो जी तो राहुल गांधी जी तो सौरव खुल्लर का तय दिलों धन्यवाद करता वा। सो जिनी भी टीम इतने पहुंची आ सारी यूथ का मैं तय दिलों धन्यवाद करता वा।
ਦੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਯੂਥ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਣੀ ਜੋ BSS ਕੈਫੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਚਕਾਰਾ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गत दिनों राज्य भर में से 36 प्रिंसिपल्स को विशेष ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा गया था। नाभा ब्लॉक के गांव मंडेर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जसपाल सिंह का स्कूल में वापस लौटने पर बैंड बाजों व भांगड़ा डालकर स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल में देखते ही देखते विवाह वाला माहौल बन गया, जिसे देखकर प्रिंसिपल भावुक हो गए। इस अवसर पर प्रिंसिपल जसपाल सिंह ने कहा कि वे पंजाब सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक छोटे से व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी सीख कर आए हैं उसके चलते पंजाब के स्कूलों को ऊँचा उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान गांव की पंचायत की ओर से 5 एकड़ जमीन स्कूल को देने का ऐलान भी किया गया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सब तो पहले तो मैं मानजोग साडे इस सूबे की अगवाई कर रहे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का और साडे इस साडे विभाग की अगवाई कर रहे सरदार हरजोत सिंह बैस जी सिक्ख्या मंत्री पंजाब जी का धन्यवाद करदा। ये लीडरशिप प्रोग्राम से एजुकेशन लीडरशिप एंड डिवेलपमेंट प्रोग्राम, सो यदा जोड़ा है वैंगार्ड चेंज यदा लोगो से वैंगार्ड चेंज कि तुम कोई किसी चीज़ को सीख के उन्होंने चेंज किमें कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है एजुकेशन किसी देश की माड़ी नहीं होंगी, ना साढ़े पंजाब की माड़ी आ ना किसी होर दी, पर उस चेंज होर एडिशन किस तरह कर सकते हैं असं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर है जोड़ा है विजुअली लर्निंग है, ठीक है ना, ये सारा कुछ उत्थे असी सीखिया और उतों के असी लोगों की डेडिकेशन अपने देश प्रति और अपने लोगों प्रति जिहड़ी उन्हां दी कमिटमेंट है, उन्हां दा विजन है, उन्हां दा मिशन है और उन्हां दा गोल है कि वी अचीव द गोल कि किस तरह प्राप्त करना है, वह तो असी बहुत जिहड़ा है मतलब प्रभावित होए हैं और वह सारिया गल्ला असी भी अपने टीचर्स भावें असी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिवें तुहानूं दस्सिया गया सरपंच साहब वालों हरप्रीत जी वालों कि जिद्दन दे आए ने टिके नहीं बैठे, सो साडा जिहड़ा है वह असी कि जो साडा सुपना देखिया है मानयोग मुख्यमंत्री ने, क्यों, क्योंकि कलाम साहब ने कहा सी साढ़े अब्दुल कलाम जी जिहड़े अपने साढ़े राष्ट्रपति सी, सो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम उन्होंने कहा सी कि सुपने वो नहीं हुंदे जिहड़े सुते पे देखे जाण, सुपने वो हुंदे ने जिहड़े सोण नहीं दिंदे। सरकार वालों मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वालों जो सुपना देखा गया कि असी सिक्ख्या के खेत्र के क्रांति लैके आनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों पहला कहा गया सीगा कि जदों भी आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी तो पंजाब दे विच असी सिक्ख्या दे विच अते सेहत दे विच बड़ा सुधार करांगे। हुण सिक्ख्या के खेत्र दे विच लैके काफ़ी चिंतित ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी, अज जिहड़ा पहला सिंगापुर इन्हें बैच भेजा सीगा ट्रेनिंग दे लई, ते अज साडे मानयोग जसपाल सिंह जी प्रिंसीपल स्टेट अवार्डी ने वह ट्रेनिंग लैके इत्थे पहुंचे ने, ते विआह वर्गा माहौल आ, सारे पिंड वासियां ने इलाका वासियां ने उन्हां दा स्वागत करिया, क्योंकि पिछलियां सरकारां ने जिहड़ा सिक्ख्या दे विच निजीकरण वड्डे पद्धर ते करिया होया सीगा, ते पंजाब सरकार आप सरकार चाहुंदी आ कि आने वाले समय के पंजाब दे विच जिहड़ा सरकारी स्कूल नूं प्राइवेट स्कूलों नूं वधिया बनाए जाणगे, खेडण लई ग्राउंड बच्चों को वधिया सिक्ख्या दित्ती जाऊगी, जिवें दिल्ली दे विच वधिया सिक्ख्या दित्ती जा रही है अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने, ते इन्हां नूं आउंदे ही जदों दिल्ली दे विच उत्थे भी दिल्ली दे अध्यापकां दे नाल इन्हां दा जिहड़ा आपस विच विचार वटांदरा होया कि किद्दां असीं सिक्ख्या दे विच पंजाब दे विच सुधार लैके आ सकदे आ, ते मैं धन्नवाद करदा मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दा, आम आदमी पार्टी दा, पंजाब सरकार दा, ते जिन्हां ने अध्यापकां नूं ट्रेनिंग अपने प्रिंसीपल नूं ट्रेनिंग देण लई सिंगापुर विखे भेजा तां जो पंजाब दे विच सिक्ख्या दे विच बदलाव कर सकीए। भारत के प्रमुख ओमिनी चैनल ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन ने अमृतसर में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। स्टोर का उद्घाटन कैरेट लेन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सिन्हा ने स्टोर स्थान पर
कोयला तोड़ने की रस्म की परंपरा के साथ किया। वहीं इस मौके पर अतुल सिन्हा ने कहा कि अमृतसर में कैरेट लेन के 169वें स्टोर के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित होना बहुत रोमांचक है और यह उत्तर भारत में 54वां स्टोर है। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र में ब्रांड को मिले प्यार का प्रमाण है और टाइटन कंपनी के रूप में वे ग्राहकों को सभी ज्वेलरी ज़रूरतों के लिए डेस्टिनेशन बनने की उम्मीद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ग्राहकों के विभिन्न अवसरों को ध्यान में रखते हुए स्टोर में इस सीजन में बच्चों के आभूषण और शादी के जश्न के लिए पर्याप्त विकल्प भी होंगे और यह स्टोर ग्राहकों की मजबूत रुचि बनेगा। साथ ही यह स्टोर ऐसे ही एक कैचमेंट की जरूरतों को पूरा करेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारे अमृतसर के लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कैरेट लेन का 159th स्टोर खुलिया है, ग्रैंड लॉन्च होया अमृतसर मॉल रोड के उत्ते। तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम है, तुसी आओ इतने, तुहानू एक लाइट वेट और अफोर्डेबल ज्वेलरी की वास्ट वरायटी इतने देखने को मिलेगी। साडे कोल इतने 6000 प्लस डिजाइनज है विच यू कैन ब्राउज ऑनलाइन ऑलसो। तो एट प्रेजेंट स्टोर के 2000 डिजाइनज है जेडे तुसी आके ब्राउज कर सकते हो और पसंद कर सकते हो। इस ब्रांड की खासियत यह हैगी है, एक तो तनिश की पार्टनरशिप के नाल असी खोलिया विच इज़ अ ट्रस्ट वर्दी ब्रांड। ते इदे विच डायमंड ते गोल्ड दे तुहानू प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगी जिदी रेंज अराउंड 5000 तो स्टार्ट होके अपर लिमिट जिहड़ी हैगी है 1.5-2-3 lakh तक जाती है। साडे लूज सॉलिडर्स भी हैं जिन्हां दी स्ट्रेंथ हैगी है कि बहुत इकनोमिकल है मार्केट तो। 2 lakh वरायटी हैगी लूज सॉलिडर दी जिहड़ी तुसी एप्लीकेशन ते जाके ब्राउज कर सकते हो और अपनी बजट दे हिसाब नाल उहनू तुसी फिल्टर करके प्रोसेस करवा सकते हो। साडे उरे ट्रेन स्टाफ हैगा है, तुहानू पूरा असिस्ट करेगा इस चीज़ नू लैके। तो मैं जरूर चाहवांगा कि तुसी एक बार आओ तो जरूर देखो स्टोर नू आके। साडा मेन टारगेट ऑडियंस जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा वर्किंग लेडीज़ वास्ते, जिहड़ी वर्किंग वूमेन हुंदी है, क्योंकि साडी लाइट वेट और अफोर्डेबल ज्वेलरी है, तुसी हर रोज़ उतार के चेंज करके कुछ भी पा सकते हो, छोटे प्रोडक्ट्स हुंदे ने, ताहीं इहनां दा अपना जिहड़ा प्राइस हैगा वह अफोर्डेबल भी हैगा। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक सभा जालंधर कैंट की ओर से 3 दिवसीय 71वां वार्षिक सम्मेलन श्री सनातन धर्म राम मंदिर में करवाया जा रहा है, जिसकी रस्मी शुरुआत झंडे की रस्म अदा कर की गई। इस दौरान एनसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केएलआरए स्कूल के छात्रों की ओर से भजनों का गुणगान किया गया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन हरमिंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, प्रभु दयाल, सूरज प्रकाश, आशा रानी, पंडित राजकुमार राजू एवं अन्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की। सबसे पहले मैं सभी जालंधर निवासियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से और इस सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक कमेटी को हार्दिक स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं इस 71वां वार्षिक सम्मेलन के लिए। और जिस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति का ये परंपरा रहा है कि जब भी ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो वहाँ पर ध्वजारोहण का परंपरा सदा से चलता आ रहा है, या हमारे वैदिक ऋषि मुनियों का परंपरा रहा है जिसे आज तक हमारे जो धार्मिक हिंदू संप्रदाय के लोग हैं उसको आगे बढ़ाते रहे हैं। और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही इस भारतीय संस्कृति इस परंपरा को आगे ले जाते रहें ताकि हमारे आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो हमारी भारतीय संस्कृति से कुछ अच्छा चीज़ धारण कर सके और ऋषि मुनियों द्वारा दिखाए गए उस आध्यात्मिक परंपरा धार्मिक वैदिक संस्कृति को अपना सके। आज जो कि साडा 71वां सम्मेलन रामा मंदिर दे विच कित्या जा रहा है, उदे विच साडे दिव्या ज्योति तो महात्मा जी ने आके जो कथा सुनानी है उदे विच असी साडे नाल जो कि कमल चौहान प्रधान जी ने और प्रभु दयाल जी वधवा जी और इतने साडे एनसी मॉडल दे जो बच्चे आए
उन्होंने भी आके जो कि प्रोग्राम जो प्रभु दा राम जी का गुणगान करना है, असी NC मॉडल स्कूल का और सारे केंट के स्कूलों का इतने आते धन्यवाद करते हैं। और यह जो सम्मेलन है अज दोपहर में चलेगा, रात में जो सारे ने जो कि फेरी दे विच सेवा की है श्री राम प्रभु जी की, उन्होंने जोड़ा के सहयोग थोड़ा दिता जाएगा कोई समित्री चेन श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों अचेचे तौर पर। खास तौर पर असी शीतल बीर जी जो कि प्रधान देवी तला दे है, असी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से वार्षिक सम्मेलन 71वां मनाया जा रहा है, 71वां फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसमें झंडा समारोह इस दिव्य ज्योति जागरण द्वारा झंडा समारोह हुआ है, उसके बाद पूजा हुई है, अर्चना पूजा अर्चना करके अब स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, सारे बच्चों भजन गान गाएंगे, उसके बाद दिव्य ज्योति जागरण द्वारा प्रवचन देंगे थोड़ा सा, उसके बाद 3 बजे की सभा नंदपुर कुटिया माता जी द्वारा की जाएगी, रात की सभा 7 से 9 फिर दिव्य ज्योति जागरण संस्था द्वारा किया जाएगा, जो कि रात 9 बजे के बाद अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा 9:30 बजे, और कल 14 तारीख को विशाल भंडारा होगा, भंडारे में सभी लोगों को आए और कथा सुने और अपना आशीर्वाद लें प्रभु जी का। हम शीतल बीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना उपराला लंबा किया हुआ है, पूरा अपने मंदिर पूरे हॉस्पिटल बहुत संस्था चला रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सभी हर वर्ष की भांति श्री सनातन धर्म राम मंदिर में 71 साल हो गए वार्षिक सम्मेलन चलते हुए, और ये परंपरा आज भी चल रही है और आज उसका शुभ आरंभ हुआ है। हमारे मध्य में हमारे चेयरमैन साहब श्री हरविंदर सिंह पप्पू जी, दिव्य ज्योति से पधारे हुए महात्मा जी और कमल प्रधान जी, प्रभु दयाल बधवा जी, अशोक जी और कार्यकारिणी सभा और महेंद्र सिंह जी, जो कि यहाँ पर आशा जी, उषा जी, सभी माताएं मेरी, सभी भाई और स्कूलों के बच्चे और अध्यापकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समारोह में आज हनुमान जी का ध्वजारोहण हुआ है और हनुमान जी की पूजा ध्वजा के साथ में हुई है और अब सम्मेलन का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है इस वार्षिक सम्मेलन में पधारें और समय समय पर अपनी हाजिरी लगाएं। जय श्री राम। महाशिवरात्रि त्योहार के आने से पहले कैंट निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि कैंट से दीपनगर जाने वाली मुख्य सड़क की मुरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इस टूटी हुई सड़क से लोग पिछले लंबे समय से परेशान थे, जिनकी मुश्किल को देखते हुए नौजवान नेता लक्की शर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के क्षेत्र इंचार्ज सुरेंद्र सिंह सोडी के साथ बातचीत की गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही इस समस्या के हल के लिए कार्य की शुरुआत करवाई। तो वहीं इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह सोडी की धर्मपत्नी की ओर से इस कार्य का उद्घाटन किया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। अभी देख रहे जी, काफ़ी टाइम तो दीपनगर से जी सड़क टुटी हुई थी, आन जाने लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने 2-3 जने ने पहला भी कह इधरों भी कहें आए काफ़ी, तो अज मैं कल सोडी साहब ने दसिया जी कि शिवरात्रि आ रही है सर, यहाँ कोई हल करो। उन्होंने जो मैं दसिया कि इदा का करके, वो कहते मैं सर लैवल जो आप करा दी सड़क का जी शिवरात्रि तो पहला तो बहुत वधिया हो जाएगा। उन्होंने कल अज ही काम करा शुरू कराता, मैडम आए थे सवेरे सोडी साहब के भाई, उन्होंने आते ही देखा कि उन्होंने जिदा भी सगा उन्होंने जिस भी लगा के सड़क का लैवल सही करवाता है वा, कम हो रहा वा, अज तक कल के अंदर पूरा उत्थे तक हो जूगा रामबाग तक, जिते तक होगी समस्या पूरी हल कर देंगे, अगे आने वाले टाइम जो भी दिक्कत आऊगी आप हल करेंगे मिलकर। इतनी प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें शिव और शिव जयंती के महत्व के बारे में सेंटर को संचालिका राज योगिनी संधीरा देवी ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस समागम का शुभारंभ संधीरा दीदी, विजय दीदी उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, यादव खोसला असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रमन दमातिया, पूर्व IMA प्रधान डॉक्टर मुकेश गुप्ता, पूर्व SMO डॉक्टर RL वसल, मान भाई, सुरेंद्र भाई, डॉक्टर शैली, डॉक्टर सविता, डॉक्टर राधिका ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस अवसर पर राधिका बहन, शाइना बहन ने आत्मा और परमात्मा एवं सृष्टि चक्र के बारे में बताया। इस अवसर पर काव्या और समायरा ने भगवान शिव की महिमा पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। तो वहीं इस अवसर पर सागर भाई, डॉक्टर महेश डोगरा, कृष्ण मिगलानी, सुभाष गुप्ता, जोगिंदर पाल, सुरेंद्र पाल, जनकराज, विकास भाई, निशु भाई, अश्विनी पराशर, मनिंदर, कमलेश, पुष्पा, सुनीता, रमा, किरण, अनीता, अंजू, सोनिया, मोनिका आदि भाई बहनों के अलावा सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। ओम शांति, ओम शांति। सुंदर भाई ने सॉरी मैं मंच पे विराजमान आप सब लोगों को सम्मान और उपस्थित बंधु बांधव, सुंदर भाई ने शिवरात्रि की बात की। निमित्त तो मैं बना पर मैं दूसरे नंबर था। पहले निमित्त ये संस्थान बना, राज भाई जी बने जिन्होंने ये एक प्रेरणा इनको दी, सुंदर भाई और प्रोफेसर दास जी। ये दोनों 89-88 के दिसंबर में मेरे को आए थे कि हमें शिवरात्रि शोभायात्रा शुरू कर दी, तब से शिक्षा चुनाव आज चल रहा है। मैं बड़े भाई से संबोधन करता हूँ क्योंकि पिछले 40 सालों से जब से पिता परमात्मा शिव ने इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है तो आपको आपने मुझे छोटे भाई का ही प्यार दिया है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता राजेश भाई जी, जो पिछले कई वर्षों से तन मन धन और सबसे बड़ा सहयोग समय का सहयोग जो शिवरात्रि महोत्सव के प्रति आपके और समाज की देन है। मैं कहूँगा कि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में ऐसे अथक सेवाधारी दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। आपने जो स्पिरिचुअल बात, एक स्पिरिचुअल और एक जो मेडिकल की बातें की हैं उसके संबंध में शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, जैसे आप कह रहे हैं कि मन, वैसे ही जहाँ पे जो सहज राजयोग हमारी दीदियाँ सिखलाती हैं उसे हम अपने मन को, मन चाहे किसी भी इस तरह अशांत हो, चाहे वो कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, बीमारी है, एक्सीडेंट है, कोई जैसे भी हो, कोई स्ट्रेस है, चाहे वो नौकरी की है किसी के, वो जब हम दवाइयाँ देते हैं तो उसको शांत करते हैं मन को। मन अचल होता है, अशांत होता है, हलचल में होता है, लेकिन ये राजयोग से जब हम जो हमारा परम पिता परमात्मा शांति का सागर है, जब अपनी आत्मा को, अपने मन को एकाग्र करके व्यर्थ जो विचार है, व्यर्थ जो संकल्प है, उनको स्टॉप करके उस परम पिता परमात्मा शांति के सागर से अपने आप को जोड़ते हैं राजयोग से, तो शांति का सागर पिता उस जो सबको सर्वशक्तिमान है उसकी शांति की किरणें हमारे आत्मा में आती हैं और शांति मिलती है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सभी भक्तों को, आए हुए मेहमानों को शिव का परिचय, सत्य परिचय और परमात्मा ने जो हमें स्वयं की पहचान दी, आत्मा का परिचय और मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई गई और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके उद्देश्य, वो सारा रहस्य बताया गया। और मेरा सभी भक्तों से, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है और परमात्मा की पहचान से हम आत्माओं को जो सुख और शांति की अनुभूति मिलती है उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। ओम शांति, थैंक यू। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिंदा मरीज को घोषित किया मृत, भड़के रिश्तेदारों ने किया रोष प्रदर्शन।
पठानकोट बस स्टैंड पर खड़ी एक निजी बस में से एक व्यक्ति की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस थाना छेरटा से महज 50 कदमों की दूरी पर स्थित श्री हनुमान मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चांदी का सामान व गुल्लक तोड़कर लाखों रुपयों की लूट को दिया अंजाम। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।